खबर है रीवा जिले के सुहागी से, जहां जादू टोने के शक में एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या कर दी है। पहले तो दोनों भाइयों के बीच दरवाजे पर रखे नींबू और लौंग को लेकर विवाद हुआ, जिस दौरान दोनों के बीच हुई मारपीट में घायल हुए शख्स ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया है। घटना सुहागी थाने के छिल्ला गांव की है। पुलिस ने फिलहाल इस मामले में आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। घटना के संबंध में अस्पताल चौकी से मिली जानकारी के मुताबिक सुहागी थाने के चिल्ला गांव निवासी हरिविलास प्रजापति को घायल हालत में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। मामले में परिजनों ने पुलिस को दिए गए बयान में बताया है कि मृतक हरिविलास प्रजापति का उसके भाई से जादू टोने के शक में विवाद हुआ था। बताया गया कि मृतक के दरवाजे पर नींबू और लौंग रखी हुई थी, जिस पर मृतक और उसके भाई के बीच कहासुनी हुई और देखते ही देखते दोनों ने एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट की। घटना के दौरान लाठी डंडे से किए गए हमले में हरिविलास के सिर पर चोट आने की वजह से उसे गंभीर हालत में उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई है। मामले में अस्पताल चौकी पुलिस ने पीएम पंचनामा कार्रवाई करने के उपरांत शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है और सूचना सुहागी पुलिस को दी है, जिस पर सुहागी थाना पुलिस अब आरोपी की तलाश करने में जुट गई है। ग्राम चिल्ला में भाई भाई की मारपीट हुई है, ये विवाद एक नींबू और लौंग द्वारे पर रखा हुआ था। किसी के मृतक ने पूछा कि ये लौंग और नींबू किसने रखा है, तो उसका भाई इसी बात में भी बात कर दिया और मार दिया सिर पर लाठी। जो चोट आई थी यहाँ पर एसजीएमएच में भर्ती किया गया। उपचार दौरान 11/6 को दोपहर 14:08 PM पर मृत्यु हो गई। ये टोना टोटका उसमें मारा गया। हाँ, ये टोना टोटका के विवाद में मारा गया। मार्केट में ये चिल्ला गांव की थाना सुहागी लगता है।